यहाँ आपको क्वेश्चन दिया है द एवरेज वेट ऑफ ए बी एंड सी इज 45. तीन लोगों का एवरेज कितना है? 45 है एवरेज वेट. वहीं इफ द एवरेज वेट ऑफ ए एंड बी, ए और बी का एवरेज वेट कितना है? 40 kg. दो लोगों का है 40 kg इन ए बी का. और फिर नेक्स्ट में क्या कह रहे हैं? एंड दैट ऑफ बी एंड सी, और बी सी का कितना है? 43. तो आपसे पूछा है बी का वेट कितना होगा, देन द वेट ऑफ बी, ये आपको बताना है. तो चलिए ज़रा एवरेज के फॉर्मूले से हम ज़रा देखते हैं. देखिए आपका जो एवरेज है ए प्लस बी प्लस सी का, वो कितना आ जाएगा? वो है 45. लेकिन मैं ए प्लस बी प्लस सी लिख रही हूँ, यानी कि मुझे निकालना है सम. तो ए प्लस बी प्लस सी कितना हो गया? 45 × 3. जितना भी आपका एवरेज होता है और नंबर ऑफ जितने नंबर्स हैं उससे हम इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमें सम पता लग जाता है. यानी कि ये कितना आया? ये आया आपका 135. ओके, नेक्स्ट में इन्होंने ए और बी का आपको दिया है, तो ए और बी का हम पहले सम निकाल लेते हैं. सम निकालने का फॉर्मूला क्या है? जो एवरेज है इनटू में नंबर्स. नंबर कितने? 1 और 2, यानी 2 से कर देंगे तो आएगा 80. फिर उससे नेक्स्ट में क्या दिया है? b प्लस सी. तो b प्लस सी का एवरेज दिया है, हम निकाल लेंगे सम. सम का फॉर्मूला क्या है? जो इसकी एवरेज है इंटू नंबर्स 1 और 2, यानी कि 2. 43 × 2 कितना हो जाएगा? 86. ओके, हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा है b का वेट. तो हम क्या करेंगे? देखिए यहाँ है a प्लस बी प्लस सी. ओके, अगर मैं a प्लस बी प्लस सी करती हूँ और यहाँ है a प्लस बी प्लस सी. ओके, तो अगर मैं इन दोनों को प्लस करके इसमें से माइनस कर दूं तो क्या होगा? ये कट जाएगा, ये कट जाएगा एंड ये कट जाएगा, b बच जाएगा, है ना. तो हम क्या करेंगे? 80 + 86 कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 166, है ना. क्यों हमने क्या किया है? a प्लस बी एंड प्लस बी प्लस सी कर दिया है और इसमें से हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे. किसको? a प्लस बी प्लस सी को, जो कि कितना है? 135. तो हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है 31, यानी कि b कितना है? 31. आंसर इज 31.